गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि बच्चा हम लोग जानते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी का स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट भी आ गया है। इट मींस हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड पूरा हो चुके हैं और स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट भी आ गया है, जो कि कल ही हमारे पास डिक्लेयर हो गया था। नाउ अब आपको बेटा जो भी अब आपको सीट अलॉट हुई है कॉलेज की, अब टाइम ये आ गया है हमें उसको फिक्स करना है। मीन्स अब जो भी हमारे फ्रीजिंग फ्लोटिंग था वो डन हो चुका है। अब हमें कॉलेज में जाके अपनी सीट पक्की करनी। फॉर दैट हमें मिला है कि 28 से लेके 30th तक के लिए हमारे जो है ये इसकी रिपोर्टिंग डेट है और टाइमिंग है, जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अपने इंस्टीट्यूट में जाना है। उस इंस्टीट्यूट में जाना है जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो कि हमें अलॉट हुआ है, मीन्स जिसमें हमारी रैंक कहीं ना कहीं आ गई। ठीक है, तो दिस इज अ वन पॉइंट। तो इसके लिए पहला पॉइंट यह है कि आप लोग प्लीज सबके सब अपने आप को प्रिपेयर करके एंड फटाफट कॉलेज जाइए एंड अपनी सीट को पक्का करिए। जिन बच्चों ने 96,000 पे कर दिए थे उनके लिए जाना है। जिन बच्चों को अभी भी सीट नहीं मिली है तो उनके लिए अब ये नेक्स्ट फिर चीज ये होगी कि अब जो जो आप आईपी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस की सीट्स बच गई होंगी तो वो अब वो सबके सब अपने सीट मैट्रिक्स को कहीं ना कहीं कॉलेज को बताएंगे एंड उसी के बेसिस के ऊपर आईपी यूनिवर्सिटी फिर स्पॉट काउंसलिंग निकालेगा। स्पॉट काउंसलिंग में जो बची हुई सीट्स होती हैं वही कहीं ना कहीं बताई जाती हैं आईपी यूनिवर्सिटी को, तो उसी के बेसिस के ऊपर आईपी यूनिवर्सिटी फिर अपने स्पॉट काउंसलिंग को निकालेगा। दिस इज वन पॉइंट। नो अब आपको जाना है तो क्या करना, क्या है आपको जाके अपने रिमेनिंग चीजों को पूरा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वी हैव लेट्स लुक इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोर पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ लेके जाने, ठीक है, एज वेल एज सीटी रैंक कार्ड, ये मेरिट ऑर्डर और सीटी एडमिट कार्ड। मीन्स एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेना है सीईटी का, एज वेल एज जो रैंक्स आपकी आई थी आपको उनको कहीं ना कहीं आपको लेके जाना। नाउ अब वो क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। सर आपका जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट एक आपकी एक शीट पे आया था, उस शीट पे आपने कंट्रोल एफ करके कहीं ना कहीं अपना नाम ढूंढा था, देखा था कि मेरे नाम के आगे ये रैंक आई है। तो जिस भी पेज पे आपका आया उस पेज का प्रिंट आउट निकाल के उसको हाईलाइट करके अपने साथ लेके जाए। दिस इज वन थिंग। एंड देन NLT स्कोर कार्ड। जब हम एनएलटी स्कोर कार्ड की बात करते हैं, यू नीड टू डू आपको बेटे अपने सो बेटा लोग इन द सेम वे जैसे आपने सीईटी का एडमिट कार्ड निकाला है, इन द सेम वे आपको एनएलटी का स्कोर कार्ड एडमिट कार्ड निकालना है। बेटा जब एनएलटी की बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना, जिन बच्चों ने नेशनल लेवल टेस्ट दिया था बेटे ये वो है, नाम नेम डिफरेंट है, दैट इज द सेम थिंग। मतलब जिन बच्चों ने सीईटी दिया, जिन्होंने एनएलटी नहीं दिया उनका एनएलटी का कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने एनएलटी दिया है वो अपना एनएलटी का कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड सब चीज लेके जाएंगे। बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इट मीन्स आपको क्लास 10th के जो आपकी मार्कशीट है, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट आपको वो लेके जाना है, उसका ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी दोनों कहीं ना कहीं लेके जाना है। इवन बोला गया है कि आपके साथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप लोग अपने साथ क्लास 12th के भी अपने मार्कशीट एंड सब चीजें रखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहना आपको लेके जाने हैं। और जो बच्चे डिस्टेंस ओपन लर्निंग से कर रहे हैं उनको भी सारे अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इवन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि आपको अपने साथ फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डिटेल अबव पैरा, ये क्या है सर, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिजिकल सर्टिफिकेट बेटा यह है क्या, मैं उस पर बातें कर लेते हैं। और जो भी हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट है उनको हम फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहने के कह रहे हैं। उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें आईपी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन पे जाते हैं 2024-25 पे। तो यहाँ पे हमारे पास एडमिशन ब्रोशर आ जाते हैं, तो एडमिशन ब्रोशर के नीचे ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपेंडिसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड प्रोग्राम। इस पे से क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसे ये अपेंडिसेस कहने के खुल जाएंगे, ठीक है। नाउ इसमें सारे जो जो रिक्वायरमेंट के हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपका यू कैन से डेट हमारा जो पैटर्न है वो सारे पैटर्न दिए हुए हैं। जैसे किसी बच्चे को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट निकालना था
तो फॉर दैट वहाँ बच्चा एक अपना कंट्रोल एफ के मेडिकल सर्टिफिकेट लिखता है या फिजिकल लिखता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लिखेगा तो आपका ऐसे चीजें खुली हुई आपके आ जाएगी। हियर वी कैन सी दैट आपको इस अपेंडिक्स का प्रिंटआउट निकालना है, फिल करना है, एज वेल एज इसको आपको जो डिजायर्ड डॉक्टर है किसी भी डॉक्टर के पास जाके उनको अटेस्ट करवाना है, ठीक है। तो ये उनके थ्रू ही कहीं ना कहीं होगा। उसके बाद नंबर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा जो हमने पोर्टल जो हमारा आईपी यूनिवर्सिटी का आपका सेपरेट पोर्टल है जिस पर आप लॉग इन करते थे, उसके लेफ्ट साइड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उनको वहां से आपको निकालना है। जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी का है उनको आपके रिजर्व अपना रिजर्व कैटेगरी की वेरिफिकेशन स्लिप एज वेल एज अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट कहना के अपने साथ रखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट वन, करेक्टर सर्टिफिकेट। हम लोग करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो बच्चों आपको अपने साथ अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि ओरिजिनल लेके जाना है जो कि आपको अपने स्कूल से मिला है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए बोला जाता है इम्पोर्टेंट है क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट ना होने नहीं है तो कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट होगा एडमिशन में, मगर आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना। अगर नहीं किसी बच्चे ने लिया तो अपने कॉल अपने स्कूल जाइए, वहां से जल्द लेके अपना को सबमिट करिए क्योंकि आपके सब स्कूल्स में कहीं ना कहीं करेक्टर सर्टिफिकेट अभी तक आ चुके हैं एज वेल एज। और जो फिर एक और मेजर पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी, मीन सर जो आपकी आपने जो 96,000 रुपीज पे किए थे उसका प्रूफ लेके जाना। वो प्रूफ क्या है, अगर आप अपना फिर से पोर्टल पे जाते हैं तो वहां पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा था फी पेमेंट, तो फी पेमेंट क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे जो जो आपने पेमेंट अब तक की है, 1,000 रुपये पेमेंट की थी, 1,500 पेमेंट की थी एंड 96,000 पेमेंट की थी, तो उन सब के प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ रख के लेके जाइए एज वेल एज एडमिशन। ये बेटा आपका फाइनल एडमिशन हो रहा है, तो फाइनल एडमिशन हो रहा है इट मीन्स यू कैन से दैट अब आपको बाकी की जो पार्ट पेमेंट रह गई है किसी बच्चे की, बच्चे को उसको पे करना है। लेट्स से दैट किसी बच्चे ने जो कोर्स लिया उसकी फीस थी 1,40,000, तो इट मीन्स 96 दे चुके हैं तो कितनी रहेगी 44,000। तो इट मीन्स अब आपको 44,000 की जो पेमेंट पेंडिंग रह गई है आपको वो पेंडिंग पेमेंट कहना के आपको क्लियर करनी है बाकी सब चीजों के साथ साथ। तो ये देखिए लिखा हुआ है द बैलेंस अमाउंट फी मे बी सबमिटेड थ्रू बोथ ऑनलाइन नेट बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और इवन थ्रू योर डिमांड ड्राफ्ट, तो इनके थ्रू आपको सब चीजों को अपने पूरा करना है। और ये अब आपका टूवर्ड्स हम एंड की तरफ चल रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन की तरफ, तो ऑल द बेस्ट टू यू, अपना चीज करिए एंड वी विल मीट सोन। टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।